अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। आज के दिन का आगाज कर चुके हैं, व्लॉग को भी स्टार्ट कर चुके हैं। लेते हैं आपको अपने साथ व्लॉग में, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है आज की जिंदगी में करने के लिए। तो कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। तो जनाब, हमारी जिंदगी में आज करने के लिए जो सबसे पहला काम है वो ये है, ये हो चुका है पंचर, इसको बनवाना है सबसे पहला काम। हमारी बाइक जो है ना बेचारी, इसे खड़ी हो चुकी है, इसका पंचर बनाए तो ये चलने के काबिल बने। तो जनाब, इसके साथ साथ हम पहुंच चुके हैं पंचर वाली दुकान पर, जो कि आप देख रहे हैं। तो जनाब, बनवा लिया था पंचर, आ चुके थे वापस। आज करने के लिए कुछ नहीं था तो सोचा क्यों ना आज पूरी रात रूफ पे गुजारी जाए। तो खुद ही खुद को चैलेंज दे दिया। वैसे तो आप थंबनेल में देख चुके होंगे, और जब मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया तब तो कुछ नहीं था सोचने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना ये चैलेंज किया जाए, इसीलिए खुद को ही खुद चैलेंज दे दिया है। जाते हैं ऊपर, फुल नाइट आपको अपने साथ रखेंगे, बस देखते हैं कब तक गुजारा कर सके। तो जनाब, जैसे हम गुजारेंगे सारी रात ऊपर छत पर, तो उसके लिए हमने बंदोबस्त किया है। हमारे पास है चिप्स, और चिप्स के साथ एक स्ट्रिंग। यार देखें, वैसे तो स्ट्रिंग बड़ी खतरनाक ड्रिंक है, लेकिन क्या करें, इसके बिना जो है ना कुछ होता नहीं है। मतलब इतनी आदत हो गई इस चीज़ की, इस स्ट्रिंग की, कि क्या बताएं। तो उसी के साथ हमारे पास चिप्स और स्ट्रिंग, लेते हैं, आप लोगों को भी साथ रखते हैं, चलते हैं ऊपर। तो जनाब, आ चुके हैं ऊपर, और ये हमने अपना बिस्तर भी, ये मैंने खुद ही बिछाया, चादर नीचे रखी हुई थी, और ये एक तकिया, ज़रूरी है पूरी नाइट स्पेंड करनी है यहाँ पर। और अभी टाइम देख लेते हैं, टाइम क्या हो रहा है, मिनट, एक अदद मोबाइल भी लेकर आ गए हैं। टाइम हुआ जाता है 12:06। तो देखते हैं क्या करना है अभी। ये जो सामान अपने साथ लेकर आया था, चिप्स एंड स्ट्रिंग, इसको रखते हैं यहाँ, और इधर बैठ जाते हैं हम भी। ये रहे चंदा मामा, ये हम हैं नीचे जो वीडियो बना रहे हैं, और आप देखें सूरत हाल क्या है, गप्पा गप अंधेरा, क्योंकि लाइट गई हुई है तो अंधेरा छाया हुआ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ है मोहम्मद अवेज सुमरू। आज इस छत पर अपने घर की खुद को चैलेंज देने के बाद, कर सके तो ठीक, नहीं तो सुबह जाके, नहीं तो सुबह जाके सो जाएंगे, सुबह दे देंगे अपडेट्स के भाई नहीं कर सके। बस आज ये रात है, हम हैं और व्लॉग में आप हैं। चलो बाबा, चलो 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 चलो। चल 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 चलो वो रहा। कहाँ जाएगा भाई, ओ जबरदस्त, ओह वेरी गुड वेरी गुड। ओह तो जनाब, इसी के साथ साथ बच चुका है एक, देखें, और इसी के साथ साथ हमने अपना एक घंटा पूरा कर लिया। 12 बजे आना था ऊपर, आए और अब बज रहे हैं एक, तो मतलब एक घंटा हो गया पूरा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाइट भी आ चुकी है, लेकिन नाइट है तो फिर जितनी रोशनी आएगी आप देख सकेंगे, बाकी तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो यार बहुत हो गई गेमिंग, गेमिंग गेम खेल लिया और थोड़ा सा टाइम पास भी कर लिया। आप लोगों को सुना दो मैं कहानी। तो कहानी कुछ यूं है कि शेर और मुर्गे की दोस्ती हो गई। शेर ने मुर्गे से कहा, जब भी कोई मसला हो तो अजान दे देना, मैं आ जाऊँगा। एक दिन गीदड़ को अपनी तरफ आता देख कर मुर्गा दरख्त पर चढ़ गया और अजान दी। गिदड़ बोला, नीचे आ जाओ नमाज पढ़ते हैं। मुर्गा बोला, रुक जाओ इमाम साहब आ रहे हैं। इतने में शेर को आता देखकर गिदड़ भागने लगा, तो मुर्गा बोला, रुको इमाम साहब आ गए हैं। गिदड़ भागते हुए बोला, ये इमाम हमारे फिरके का नहीं है। इसी के साथ साथ एक और ज़बरदस्त कहानी जो मैंने लिखी थी, पुरानी हो चुकी है लेकिन आपको शायद अच्छी लगे इस टाइम पर। तो उस्तानी, मतलब उस्तादनी,
सच और वहम में क्या फ़र्क है? शागिर्द, मैडम जी आप हमें पढ़ा रही हैं ये सच है, और हम पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है। पुरानी कहानी है लेकिन एंजॉय कर लीजिए इस टाइम। तो जनाब अभी क्या हुआ कि मैं अभी यूज़ कर रहा था फेसबुक, स्क्रॉल कर रहा था, फारिग बैठा हुआ था, तो मैंने बोला थोड़ा सा फेसबुक स्क्रॉल कर लेते हैं। तो एक बड़ी अच्छी लाइन थोड़ी सी और जुमला जो वीडियो मेरे सामने आई आप लोगों से शेयर करूँगा, सुनिएगा। कदर और वक्त की बड़ी अहमियत है, आप जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता। कदर, ये एक लाइन सामने आई तो मैंने बोला शेयर कर लेते हैं आप लोगों से। वैसे ये बात बिल्कुल सही है, आप जिसे वक्त देते हो वो कदर नहीं करता, जिसकी कदर करते हो वक्त नहीं देता। बस दुनिया यही है, इसी का नाम दुनिया है, और क्या बोलें, गुजर जाना है सब कुछ और हम भी गुजार रहे हैं जो अभी का टाइम चल रहा है आप लोगों के साथ। व्लॉगिंग में तो आप देखोगे जब देखो, लेकिन हम तो आज की नाइट व्लॉग प्लस चैलेंज कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं भूल चुका था कि मैं स्ट्रिंग भी लेकर आया हूँ और चिप्स भी लेकर आया हूँ, तो अभी याद आए तो देखते हैं, कुछ दिल करे तो निकाल के खाते हैं और स्ट्रिंग पीते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो प्रेजेंटिंग हवा भरी हुई प्लेस। सिंधी में कहते हैं भूख में बसर भलो, ये तो फिर भी ले गया समझा। तो खाते हैं लेस, पीते हैं स्ट्रिंग। और करते हैं एंजॉय। पूरी तो इसमें हवा भरी हुई होती है, चिप्स तो इसमें नज़र नहीं आती है। इतनी मोटी हवा इसमें होती है कि चिप्स की जो रैपर होता है इतना मोटा हुआ होता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी चिप्स भरी होगी। जब इसको ऑन करो, जब ओपन करो, इसको खोलो, इतने से चिप्स निकलते हैं, 5 या 10, जो मतलब 1 साल का बच्चा उसकी डाढ़ भी गीली ना हो। इसीलिए मैंने बहुत सारे चिप्स ले लिए थे कि अगर नाइट में भूख लगे तो चिप्स हमारे साथ हों और ये भी हो। तो आप लोग कुछ बताइए अपने बारे में। सॉरी, मैं भूल गया कि आप लोग मुझे वीडियो में देख रहे हैं, कैसे बताएंगे? हाँ, कमेंट्स में अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। यही कि कैसे हैं आप लोग उस टाइम पर जब आप ये मेरा व्लॉग देख रहे हो। अभी तो आप लोग मुझसे बात नहीं कर सकते, मैं इस टाइम अपने मोबाइल से बात कर रहा हूँ। वीडियो के ज़रिए आप लोग मुझे देखेंगे, जब ये व्लॉग अपलोड होगा तब बता दीजिएगा कि आप लोग कैसे हैं, कुछ अपने बारे में। हाल ही कमेंट तो मेरी वीडियो पर आप करते नहीं हैं, मेरे व्लॉग्स पर कर लिया करें कुछ ना कुछ, अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो फिर अगर कोई मिस्टेक हो उस हवाले से भी कर लिया करें। जो मिस्टेक होगी सेटलमेंट कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट व्लॉग में उसको सेट कर देंगे। मैं आप लोगों को अपने बारे में बताता हूँ। आज का सीन कुछ यूँ हुआ कि आज मेरी बात हो रही थी किसी से, तो वो क्या हो गया, वो हो गया थोड़ा सा परेशान वो शख्स। तो मैंने उसे कहा कि यार देखो इन्जॉय करो लाइफ को, सिचुएशन ख़राब होती है कोई मसला नहीं, प्रॉब्लम्स किसके साथ नहीं आती है, हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, बुरा वक्त है अच्छा भी आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम अच्छा वक्त ही रहे, बुरा टाइम भी आता है, तो बस एंजॉय करें और सब्र करें। ये सब्र करने वाली जो बात है ना, ये सबके लिए, आप लोगों के लिए भी है जो आप लोग देख रहे हो मुझे। सब्र करना चाहिए, इंसान के अंदर सब्र का मादा होना चाहिए। उसके साथ साथ हर लम्हे को, हर सिचुएशन को हैंडल
और इन्जॉय करना चाहिए, मतलब हैंडल करना चाहिए, उसके साथ साथ इन्जॉय भी करना चाहिए। एकदम परेशान होकर और ये कहना कि यार क्या होगा कैसे होगा, मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना ज़ीरो से, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1.3 के सब्सक्राइबर्स मेरे पास हैं। चलो चलो बढ़ेंगे, बड़ा ही नहीं है, शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले उस बादशाह का, मुझ फ़कीर को उसने दिया, उसके बाद उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह है, मानते हैं। स्लो स्लो और करते जाएंगे, ज़ीरो से 100 तक आए, 100 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1300, अब आगे भी बढ़ना है, 1300 से 1500, फिर 2000 ऐसे। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अब YouTube जो है ना, मतलब हर कोई YouTube पर आ गया ना, हर कोई, एवरीवन, हर कोई YouTube पर है, तो रश बढ़ गया है, हुजूम जिसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा मार्केट है YouTube, उसमें हमारी छोटी छोटी दुकानें हैं, जो बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स के साथ हैं उनकी तो बड़ी दुकानें, हमारी छोटी छोटी दुकानें। हमारे एरिया में ही इतने सारे लड़के यूट्यूबर्स हैं, मैंने मतलब मैं परेशान हो गया, मैंने यार ये भाई भी यूट्यूबर, ये भाई भी यूट्यूबर, तो डजेंट मैटर, हर कोई अपने हिसाब से अपनी आवाम जमा करेगा, अपने सब्सक्राइबर्स जमा करेगा, अपनी मार्केट बनाएगा। और यूट्यूब ने माहौल थोड़ा सा सख्त कर दिया, पहले 4 घंटे का वॉच आवर्स होता था, 4 घंटे का, अब 4000 घंटे का वॉच आवर्स, प्लस शॉर्ट्स 10 मिलियन व्यूज़, खैर हो जाएंगे, ये भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे मकाम तक पहुंचा दिया मैंने, इंशाल्लाह वो क्राइटेरिया पूरा तो फिर हम हो जाएंगे यूट्यूब के पार्टनर बिजनेस में। बस आप लोग दुआ कीजिएगा, आज ये चैलेंज करके मैं कुछ ना कुछ एक क्रिएट करना चाहता हूँ, एक माइंड में जो सेट है मेरा वो अभी तो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, फिर आप जब ये ब्लॉग देखोगे, बस दुआ कीजिएगा कि मैं कामयाब हो जाऊँ। सिर्फ मैं नहीं, हर वो शख्स जो मेहनत कर रहा है ना वो कामयाब हो। पता है आप लोगों को मैं यहाँ बैठा हूँ ना, आसान नहीं है ऐसे छत पर अकेले बैठकर, मैं कोई बहादुर नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि अकेले बैठकर अगर कुछ करना चाहूँ, जैसे अभी बैठा हुआ हूँ, आप नहीं समझ सकते मैं जिस बात कर रहा हूँ ना, जिस लेवल पे, आप नहीं समझ सकोगे। कभी आप अपने घर की छत पर अकेले जाकर बैठोगे ना, फिर आप ये मेरी वाली बात समझोगे कि मैं अभी क्या बात करना चाहता हूँ। उसके अलावा बस यही है अर्ज़ के, दुआ हूँ मैं, याद रखा करें, दुआ में नहीं, दुआओं में, बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत होती है और हर इंसान को ज़रूरत होती है। चिप छोड़ दिया, बातों में लग गए हैं, और अभी कोई फालतू बात तो नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी बात कर रहा हूँ। एक क्लिप ऐड करना था लेकिन उस वीडियो को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, क्योंकि यहाँ बैठ कर मुझे कुछ फील हुआ तो मैंने वीडियो में बढ़ा दिया, लेकिन खैर मैं डरता नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने, स्कूल लाइफ में कभी डर लगा हो तो लगा हो, याद नहीं है, अब किस बला का नाम है, इसको हमने दूर छोड़ दिया। कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह MA पास आउट हूँ मैं। तो मैं ये समझाना चाह रहा था, अगर आप लोग ये क्लिप पूरा देख चुके हैं तो आप अभी मेरा पॉइंट समझ गए होंगे, और मैं इस टाइम पे अकेला बैठा हूँ अपनी छत पर, कुछ फील किया तभी मैंने ये वीडियो शुमार किया, और क्लिप शुमार किया वीडियो में, ये बातें शुमार की। स्ट्रिंग एंजॉय करें मेरे साथ, आई होप आप भी कुछ खा रहे हों, कुछ पी रहे हों, नहीं तो फिर मेरे साथ एक
खरीद कर अपनी इस वीडियो के साथ एंजॉय कीजिएगा। जो ज़िंदगी में चोट खा खा के आगे बढ़ता है ना, वो मजबूत हो जाता है। मजबूती की बात हो रही है, भागी की बात नहीं हो रही, मजबूती की बात हो रही है। मैंने अपनी लाइफ में, मतलब कॉलेज लाइफ में था, मुझे टॉन्सिल्स से ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन थिएटर देखा मैंने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में, मतलब मेरी पूंगी बजी है। मतलब लाइक क्या है, इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं वहाँ, मतलब स्ट्रेचर के ऊपर लगाई जाती हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम इन हुआ उधर ऑपरेशन थिएटर में, जो नर्स थी उन्होंने मुझसे पूछा कैसे हो, और बता रही थी कि आप जो है ना, डरना नहीं, घबराओगे, बीपी लो या डाउन या अप हुआ तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेंगे, आपको बाहर निकाल देंगे। मैं जाकर बैठा, शुरू में तो बड़ी बड़ी हिम्मत थी, जाना है ऑपरेशन करवाना है, क्योंकि रेफरेंसेस से गए थे हम एमएस के पास, एमएस ने रेफरेंस किया और फिर डॉक्टर ने टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करने के लिए हामी भरी। होते हैं कुछ मसले मसाइल होते हैं, तो हमारा काम फौरन हो रहा था रेफरेंस के ज़रिए। तो मुझे सबसे पहला इंजेक्शन लगा एंटीबायोटिक का, येलो कलर का होता है, पता नहीं क्या नाम था, डॉक्टर तो मैं हूँ नहीं। कैनूला लगा के डॉक्टर ने जैसे इंजेक्शन डाला ना, मुझे चक्कर आ गए, यूँ जमीन नहीं, एक तो कमज़ोर पहले से, ऊपर से रात का खाना नहीं खाया, सुबह भी कुछ नहीं खाया था। तो जो नर्स थी वो समझ गई, उन्होंने बोला कि क्या हुआ बेटा, चक्कर आ रहा है? उन्होंने बोला जी। तो उन्होंने कहा कि खाना नहीं खाया ना जी, खाना नहीं खाया क्योंकि मना किया था डॉक्टर ने। तो फिर उन्होंने ये कहा कि कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। अच्छा, इत्तेफाक से उसी टाइम पे ओटी थी ना, ऑपरेशन थिएटर था, तो एक बच्चा आया जिसकी खतना होनी थी, मतलब तोहर होनी थी, मुसलमानी होनी थी, वो रोया। उसको रोता हुआ देखकर ना मेरी उस टाइम हालत ख़राब, मैंने बोला यार शिट। लेकिन उस टाइम पर खुद को हिम्मत दी और ख़ुद को, मतलब अंदर एक जो सोच होती है ना, वही सोच में लाया, वो मैंने सोच ये लाया, मैं जो अपने अंदर लाया सोच, वो ये थी कि यार अगर अभी मैं बाहर निकल गया तो बहुत बेइज्जती होगी। बेइज्जती क्यों होगी? क्योंकि अब्बू के जान पहचान वालों के रेफरेंस के ज़रिए हम सर्जन तक पहुँचे, और मतलब रेफरेंस जो हमें इकट्ठे किए, जिनके ज़रिए हमने सलाम दुआ बनाकर डॉक्टर से बात की, तो बड़ी बेइज्जती की बात होती है। सब क्या बोलेंगे कि यार जब आपके बच्चे को ऑपरेशन करवाना ही नहीं था या उसको बाहर निकल के आना था तो इतना रेफरेंस क्यों दिलवाया? तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को बोला नहीं करना है, ऑल इज़ वेल। घुटन सी होने लगी थी मुझे, ओहो, मैंने बोला यार अभी बाहर निकल जाऊँ, लेकिन मैंने हिम्मत की। फिर तकरीबन मुझे एक घंटे तक ऐसे अकेला छोड़ दिया था अंदर। जो नर्स थी जिन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाने से कैनूला फिट किया, इंजेक्शन लगाया और वो चली गई। फिर जो बच्चा आया, जो होते हैं ना उनके पास, क्या बोलते हैं उनको, जैसे नर्स होती हैं ऐसे ही मेल स्टाफ जो होता है, उन्होंने तोहर की, बच्चे की खतना की, फिर वो चले गए। अब एक घंटा, एक या डेढ़ घंटा मुझे दिया गया अकेले ऑपरेशन थिएटर में, मशीनें देखकर वैसे ही सांस निकल जाता है बंदे का। मैं बैठा रहा हिम्मत की, और मेरे वाले साहब ने बोला था कि आप दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिम पढ़ना और दुरूद शरीफ वगैरह का आप विर्द रखना, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा तब बेटर हो जाएगा। दुरूद इब्राहिम मैं पढ़ता रहा, मैंने दुआ भी की कि अल्लाह ताला सब खैरियत से हो जाए। फिर आए सारे स्टाफ वगैरह, आ गए, मुझे एक इंजेक्शन लगा। एक इंजेक्शन जो लगा ना, शायद वो नशे का था जो देते हैं बेहोश करने के लिए। उसके बाद जो ऑक्सीजन मास्क
जो मेरे मुंह पर आया, उसके बाद जो नींद आई, हल्का हल्का सा फील हो रहा था क्योंकि ऑपरेशन अंदर से हुआ था, इधर से नहीं हुआ। तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है। जब ओटी से बाहर निकाल के जनरल वार्ड में मुझे शिफ्ट किया गया तो पसीने पसीने, मेरी वालदा बता रही थी कि बेटा तुम पूरे पसीने वसीने हो गए थे, मतलब तुम्हारा बीपी अप या डाउन हो गया, जो होता है अप या डाउन पता नहीं क्या, बीपी डाउन हो गया था मेरे ख्याल से। तो उन्होंने ऑपरेशन छोड़ा नहीं, जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ऑपरेशन पूरा करके मुझे बाहर निकाला, वार्ड में, जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे जाकर होश आया, क्योंकि मुझे एक और इंजेक्शन लगा नींद का। उस टाइम पर मेरी वालदा बता रही थी कि कुछ लड़के आ गए थे, वो आपस में बातें वगैरह कर रहे थे, तो नर्स थी उन्होंने बोला कि जो मरीज़ हैं आप शोर ना करें। एक और इंजेक्शन मुझे लगा, मेरी ड्रिप की वो जो नलकी होती है वो उसमें सुराख हो गया था, जो भी ड्रिप के जो केमिकल वगैरह थे, जो ड्रिप थी वो बाहर बहने शुरू हो गई, उसका पाइप चेंज हुआ। शाम को जब होश आया तो मेरी ऐसी हालत, ऐसा लग रहा था किसी ने दबा दिया, ऐसे हम ऐसे कहते हैं, ये भी नहीं हो पा रहा था। सामने वाले दांतों में खून, पूरे मुंह में खून, अब कुल्ली करें तो भी ना हो, क्योंकि ये खींचे हुए थे। अच्छा, उस दिन जितना मुझे याद है, शब मेराज या शब रात थी, मैं हॉस्पिटल में था, सामने की तरफ मस्जिद नजर आ रही थी, तो मुझे था कि काश मैं सेट होता आज की रात तो मैं जाकर कुछ करता, क्योंकि ड्रिप लगी हुई थी, कितना लगा हुआ था, कंडीशन बिल्कुल मेरी ओके नहीं थी। उस रात हॉस्पिटल में रहना था, लेकिन हालत बिल्कुल ख़राब थी हॉस्पिटल की, मतलब हालत इस तरीके से ख़राब थी कि एसी नहीं था। ऑपरेशन होने के बाद बंदा जो होता है ना, वो चाहता है कि वो सुकून से सोए, तो मेरे चाचू ने बोला कि आप घर चले जाएं, नेक्स्ट पे आ जाइएगा। वैसे भी मुझे रात का डोज लग चुका था, जो डॉक्टर ने लिख के दी थी दवाइयाँ वो सब लग चुकी थी। उसके बाद फिर घर गए, फिर नेक्स्ट डे। तो एक छोटी सी कहानी मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, बोर हो गए होंगे तो कोई मसला नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ होती है चिप्स ख़त्म और मेरी कहानी भी, तो बोर मत होइएगा। और अगर आप लोगों ने मेरी कहानी पूरी सुनी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे ख्याल से वीडियो क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं आई है, क्योंकि मैंने यहाँ रखा हुआ था, मैं हर बार बार मोबाइल यहाँ रख रहा हूँ, फिर बात कर रहा हूँ कैमरा में। मैंने पूरी कहानी बता दी, पता ही नहीं चला कि ऐसा हो गया, क्या हो गया कि वीडियो ब्लर हो गई है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। तो जनाब, इसी के साथ साथ टाइम होता है 4:15, 4:15 बज चुके हैं, मतलब 4:14, और अभी की सूरत हाल कुछ ऐसी है, लाइट तो आ रही है लेकिन दुनिया वाले सो रहे हैं और हम जाग रहे हैं। हम जाग रहे हैं व्लॉग के लिए, जो चैलेंज है उसके साथ साथ चंदा मामा वो भी हैं, और सितारे, हल्की हल्की सी ठंडी हवाएं चल रही हैं जो बाबा सुन कर रही हैं। इसी के साथ साथ मुझे मिल चुकी है अपनी पुरानी बैट, जो यहाँ इस तरफ रखी हुई थी, मतलब इसी तरफ रखी हुई थी, ये बॉल ये बैट। अपने एक व्लॉग में मैंने शुमार किया है कि मैं बैट बॉल खेल रहा हूँ, ऐसे फ्रेंडली मैच के नाम से मैंने जो व्लॉग बनाया था, और उसी टाइम बस मैंने खेला था, उसके बाद एक या दो दिन खेला होगा, तो आज ये बैट बॉल देख के मुझे वो टाइम याद आ रहा है। और इस टाइम तो खैर कोई है नहीं जो खेल सके मेरे साथ, और अगर होता भी तो ये टाइम कुछ ठीक नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि 4:15, 4:30, हाँ सुबह हो, 7-8 बजे का टाइम हो, पूरी टीम हो तो समझ में आता है। तो ये अभी कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं अपने बैट और बॉल को देखकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज, दिस इज़ योर कैप्टन मोहम्मद अवेज सुमरो इन द फ्लाइट, फ्लाइट नेम सुमरो एट सुमरो हाउस। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, वरना जहाज बड़े तेज़ उड़ता है, आप लोगों को परेशानी का सामना कर सकते हैं। साथ ही साथ बस की रफ्तार बड़ी तेज़ है, तो आप एक काम करें, हेलमेट पहन लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जोक सपाट तफरी कर रहा था, फ्री बैठा था, तो मैंने बोला यही तफरी कर लेता हूँ,
इसी के साथ साथ टाइम हुआ जाता है फजर की नमाज का। सबसे इम्पोर्टेंट काम ज़िंदगी में जो होता है ना, नमाज होती है। नमाज पढ़ते हैं, फिर कंटिन्यू इसी जगह पे आके ठहरते हैं और व्लॉग कंटिन्यू करते हैं जब तक रोशनी हो। रोशनी के बाद फिर हम अल्लाह हाफिज़ करेंगे, इस व्लॉग को एंड करेंगे। आप लोगों को सच्ची सच्ची बात बताना चलूँ कि मेरे घर वालों को पता ही नहीं कि मैं ऊपर बैठा हूँ और व्लॉग कर रहा हूँ। वो सब सुकून से सो रहे हैं, मैं आकर अपना चैलेंज पूरा कर रहा हूँ जो खुद को ही मैंने खुद दिया। तो जब वो ये व्लॉग देखेंगे तो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन हो, क्या मुझसे पूछें। तो जब देखी जाएगी, मैं बोल दूँगा कि चैलेंज था, आ गए थे चैलेंज करने के लिए। अब व्लॉग का क्या रिस्पॉन्स आता है मेरे चैलेंज का, डोंट नो। अल्लाह करे बेहतर ही हो। आप लोग भी बस सपोर्ट करते रहिएगा। तो जनाब इसी के साथ साथ हो चुकी है सुबह, पहुंचा दिया अपने चैलेंज को सुबह तक। ये देखें बच चुके हैं 6 और अपना चैलेंज भी तकरीबन पूरा होने को आया। जैसा कि हम अपने चैलेंज को तकरीबन सुबह तक लेकर आ गए हैं तो रोशनी भी हो गई है, साथ ही साथ कौवे और कबूतर घूमने फिरने में लगे हैं। एक और चिप्स खोल चुका हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारी चिप्स लाया था जिसमें से पूरी नाइट में एक चिप्स खाई है मैंने। इसको मैंने फुल ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रखा था ताकि फुल नाइट ठंडी रहे। अभी तक ठंडी है तो ये चिप्स खाते हैं और इस मौसम को एंजॉय करते हैं, क्योंकि नमाज के बाद मुझे भूख लगना शुरू हो गई थी क्योंकि मैंने रात से एक चिप्स खाई, रात खाना खाया था। पूरी नाइट में जो मैंने जाग कर गुजारी है एक चैलेंज की सूरत में अपनी छत पर, उसमें एक चिप्स खाया था जिसमें हवा भरी हुई थी इतने से चिप्स से, और इसको तो पूरी नाइट चलाया मैंने, थोड़ा थोड़ा करके पिया और इन्जॉय किया। और आई होप कि मैंने आपको भी इन्जॉय करवाया हो। तो जनाब हो गई दूसरी चिप्स भी ख़त्म, अब इसको ख़त्म करते हैं। थोड़ी सी तो बची थी। इसी के साथ साथ जिस जहाज़ को हमने उड़ाया था रात को उसका ऐलान करते हैं। वो कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा यूँ होगा कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस फ्लाइट नैनसूम रो परवाज करने के बाद अपनी ज़मीन पर लैंड करने के लिए सुमरो हाउस की तरफ आ चुकी है। रनवे खाली है, कौवे उड़े हैं कबूतरों के साथ, और अभी हम अपना जहाज लैंड कराने वाले हैं। तो जनाब इसी के साथ साथ हम अपना जहाज करवा चुके हैं लैंड, सुबह हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल माहौल, मौसम, कौवे और कबूतर और जो इतने भी बर्ड्स हैं उसके साथ साथ जितने भी इंसान हैं, अब उठने वाले हैं। आप सब लोग भी इस टाइम पे उठे होंगे या उठने वाले होंगे। मैं अपना व्लॉग इधर ही एंड करने वाला हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी एडिटिंग करनी है और फिर अपलोड करना है। तो ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इस वीडियो का अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो नेक्स्ट चैलेंज कुछ और अच्छा और ज़्यादा इंटरटेनिंग के साथ में लेकर आऊँगा। और रात को जो है ना ये दरवाज़ा जो है ये वाला दरवाज़ा ये बजा था, तो जो हुआ सो हुआ, हम इस चीज़ को नहीं छेड़ते। वो एक रूल है, जियो और जीने दो, तो ज़्यादा यही बेहतर रहेगा कि आप जियो और जीने दो। उसके साथ साथ ये जो चिप्स बचे हैं जब हम उठेंगे सुबह, नहीं सॉरी शाम में, तब खाएँगे। उसके साथ साथ इसको हम फेंकेंगे डस्टबिन में, जो हम चिप्स खा चुके हैं उनको भी फेंकेंगे डस्टबिन में। ऐसे कचरा करके जाना अच्छा नहीं होता है, वैसे तो अपना घर है लेकिन सफाई निस्फ ईमान है। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप कि आपको ये पूरा व्लॉग पसंद आया हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम और ज़ोर लगा देंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे व्लॉग चैलेंज वाला। तो इन दी एंड ये कहता चलूँ,
दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।